पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद भानु प्रताप वर्मा का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हाई रिस्क होने के बाद भी सांसद की लापरवाही यहां सामने आई है। होम क्वारंटीन होने के बजाय 4 घंटे तक बैठक की है सांसद ने। ग्राम विकास समन्वय समिति की बैठक की है। बैठक में डीएम सीडीओ सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। सांसद के गैर जिम्मेदार रवैये से जनपद के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है बीजेपी सांसद भानु प्रताप वर्मा की, जिनका ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव और इसके बावजूद हाई रिस्क पर होने के बाद भी सांसद क्वारंटीन होने की जगह बैठक में शामिल रहे। ग्राम विकास समन्वय समिति की बैठक की सांसद ने और बैठक में डीएम सीडीओ सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। तो एक सांसद की गैर जिम्मेदार रवैये की ये तस्वीर सामने आई है। बता दें आपको, बीजेपी सांसद भानु प्रताप वर्मा का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके बावजूद सांसद 4 घंटे तक बैठक में शामिल रहे। तो साफ तौर पर सांसद ने खुद ही गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। बीजेपी सांसद भानु प्रताप वर्मा की बड़ी लापरवाही है। तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा दे रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठक में शामिल रहे सांसद भानु प्रताप वर्मा, जबकि ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हाई रिस्क पर है, सांसद के बजाय बैठक लेते रहे। अनुज कौशिक हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अनुज, बीजेपी सांसद भानु प्रताप वर्मा की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये यूं कहें कि गैर जिम्मेदाराना रवैया तस्वीरों में साफ तौर पर बयां हो रहा है। किस तरीके से ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद भी क्वारंटीन होने के बजाय बैठक ले रहे हैं। देखिए अदिति, बिल्कुल बता दूं कि भाजपा सरकार लगातार गाइडलाइन कर रही है। योगी सरकार यहाँ यूपी में और केंद्र सरकार की मोदी सरकार लगातार सभी अधिकारियों और अपने जनप्रतिनिधियों को सलाह दे रही है कि कोरोना के जितने भी मामले हैं उन्हें सुरक्षित रखें। लेकिन जहां पर जालौन के भाजपा सांसद है भानु प्रताप वर्मा, जिनका चालक, सरकारी चालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चालक के साथ लगातार बने रहे और उसके बाद उन्होंने 4 घंटे तक अधिकारियों के साथ ग्राम समन्वय समिति की बैठक की और ये लगातार 4 घंटे तक चलती रही। जब रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है तो उनको होम आइसोलेट होना चाहिए था, होम क्वारंटीन होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। लगातार गाइडलाइंस के मुताबिक तो प्रोसेस यही है कि अगर आप किसी संक्रमित के संपर्क में आए हैं तो आपको क्वारंटीन होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सांसद खुद गाइडलाइंस का पूरी तरीके से उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इस बैठक में मौजूद हैं, कितने सारे आला अधिकारी बैठक में मौजूद हैं, सबकी जान के ऊपर खतरा बनाया है। बिल्कुल, भाजपा सांसद द्वारा लगातार लोगों के लिए जान का खतरा बने हुए हैं, क्योंकि देखिए उनके बगल में जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन निरंजन भी बैठे हुए हैं, बगल में जिलाधिकारी डॉक्टर वंदन अख्तर भी बैठे हुए हैं। ये निश्चित ही एक यहाँ के लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि ड्राइवर का जो लगातार उनके साथ गाड़ी ड्राइव करता है उसका कोरोना निकलना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। जब इनके पास जानकारी आ चुकी थी भाजपा सांसद के पास, उसके बावजूद भी वह बैठक में मौजूद रहे और 4 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक लेते रहे। सबसे बड़ी बात बता दूं कि बैठक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाए। जबकि सरकार लगातार कह रही है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण निकलता है और उसके संपर्क में कोई आता है तो उसको होम आइसोलेट किया जाए, लेकिन इस रिस्क को उठाते हुए सांसद ने लोगों की जान से खिलवाड़ किया है, ये कहीं ना कहीं गंभीर चिंता की बात है अदिति। सबसे बड़ी बात बता दूं, जालौन वैसे ही इस समय कोरोना के मामले में लगातार यहां पर कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी है वो इस पर अमल नहीं कर रहे हैं अदिति। बिल्कुल अनुज, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को समझाने की, जागरूक करने की, वो खुद ही गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।